पंडित जी आप वृंदावन तिवारी। अच्छा, आप कब से पूजा कर रहे हैं परकोटी के मंदिर में? ये तीसरी पीढ़ी है अपनी। अच्छा, तो मंदिर की करते थे और पिताजी ने की, फिर हम करते। मंदिर की स्थापना कब भाई और किस प्रकार? ये मंदिर लगभग 18वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ, पर शिवलिंग का कोई पता नहीं कब इनका प्रादुर्भाव हुआ। और सबसे पहली बात है कि इस मंदिर में ना कोई जमीन है और ना कोई तनख्वाह है, जो कुछ यात्रियों से आता है उसी से मंदिर की पूर्ण व्यवस्था होती है। और ये जो शिवलिंग है इनका नाम मतंगेश्वर है और ये 23.5 डिग्री करके रेखा पर विराजमान है। और वो जो पार्वती बैठी हैं वो मातंगी हैं, 10 महाविद्या अंतर्गत वो देवी। शिवलिंग के साथ आपको वैसे पार्वती कहीं नहीं मिलेंगी, पर यहाँ पर है। तो इस मंदिर का निर्माण जो है 18वीं शताब्दी के लगभग हुआ और यहाँ के जो पूर्व में पुजारी थे उस समय वो चौबे वंश के थे, परमहंस बाबा जी थे, तो उनकी यहाँ पर समाधि भी बनी है मंदिर के पीछे, चबूतरा बना हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि शिव जी का कोई पता नहीं है कब प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन मंदिर का 18वीं शताब्दी के लगभग का है। तो इस मंदिर की पूजा अर्चना जो है तभी से हम लोग कर रहे हैं। इसमें कब मेला भरता है? मेला इसमें सर्वप्रथम भरता है मकर संक्रांति 14 जनवरी से 20 जनवरी, इसके बाद एक दिन का वसंत पंचमी सरस्वती जयंती कहलाती, और तीसरा मेला लगता है महाशिवरात्रि फाल्गुन में जो आज लगा है। इसके बाद नौ दुर्गा जब लगेंगी तो 9 दिन यात्रियों का आना जाना यहाँ हमेशा रहता है। कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है? लगभग पूरी एक वर्ष की अगर जोड़ी जाए तो 50,000 के लगभग जनता का आवागमन होता है। यहाँ ग्राम पंचायत या शासन प्रशासन द्वारा कोई सहयोग किया गया हो? ग्राम पंचायत द्वारा कुछ नहीं किया गया है, पर विधायक निधि, सांसद निधि और जिला पंचायत से अपन 15 साल पहले पैसा लिया था जो पंचायत ने करवाया था, लेकिन पंचायत फंड से आज तक कोई काम नहीं था। और सांसद निधि से 2.5 लाख और भानु राणा थे उस समय उनने दिया था 2.5 लाख, लेकिन जो संतोष पाल और परशुराम तिवारी सचिव थे तत्कालीन उस समय, तो इन लोगों ने ये जो चौकी बनी डरी है ये दोनों सामुदायिक भवन हैं और 1.5 लाख का सीसी होना था, तो इतना ही काम कराया, इसके बाद कोई काम नहीं किया इनने और रुपया साथ उसका पता ही नहीं कहाँ। अब क्या क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन कौन से काम होने चाहिए अभी? अब यहाँ होना तो ये चाहिए कि जितना ये अपना परिसर है इसमें छाया बनना चाहिए यात्रियों के लिए, पेयजल व्यवस्था है, सीसी बनना चाहिए पूरे में। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पुजारी के लिए सरकार से कुछ वेतन तनख्वाहें मिलना भी आवश्यक है, क्योंकि अब इतनी आय नहीं है उनकी पूजन अर्चन की व्यवस्थापन कर सके। वो तो करते हैं पर व्यवस्था सही पूर्ण रूप से नहीं चल पाती।